नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे पोहे की एक नई रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत कम तेल का इस्तेमाल करेंगे हम इस रेसिपी में। तो मैं हूँ पूजा सिंह और पूजाश कॉर्नर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए है एक कटोरी पोहा, जिसको कि हमने एक बाउल में डाल दिया है। अब इसमें हम पानी डाल करके जो है 2 से 3 बार धो लेंगे इसको अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमने धो लिया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे आधा ग्लास के करीब, और 5 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि ये अच्छे से थोड़े से फूल जाए। 5 मिनट के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, ये देखिए हमारे जो पोहा है कितने अच्छे से फूल गए हैं। तो अब जो है हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसके अंदर हम पोहा को डाल देंगे, सभी को डाल देंगे, और थोड़ा सा जो है इसके अंदर हम पानी डाल कर जो है एक स्मूथ जो है इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसे पीस लिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए अब क्या करेंगे, इसमें हम कुछ सब्जियों का इस्तेमाल, जैसे कि पत्ता गोभी हो गया, गाजर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, प्याज हो गया। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और जो नहीं भी पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं अगर आप खाना चाहें तो, क्योंकि इसमें आप डाल भी देंगे सब्जियों को खा भी लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए अब इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी कड़ी पत्ते डाल देंगे, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ और 1 अदरक का टुकड़ा। इसको जो है हम थोड़ा सा पानी डाल करके जो है इस तरीके से पीस लेंगे। ना तो ज़्यादा हमें मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डाल देंगे। देखिए आधी चम्मच हम डाल देंगे इसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर, जो कि दरदरा मैंने पीस के रखा था। आधी चम्मच डाल देंगे इसके अंदर हम चिली फ्लेक्स, जो कि घर की कुटी हुई मैंने बनाई है खुद घर में। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच चाट मसाला इसको चटपटा करने के लिए। थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती डाल देंगे। स्वाद अनुसार जो है इसके अंदर हम नमक भी डाल देंगे, और इसे जो है हम अच्छे से एक बार चला लेंगे। लग रहा है ना बढ़िया दिखने में, कितना हेल्दी है। अब इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन की जगह पर सूजी हो गया या चावल का आटा हो गया उसको भी इसके अंदर हम डाल सकते हैं। थोड़ी सी जो है हल्दी पाउडर डाल देंगे कलर के लिए, इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। गैस ऑन करेंगे, एक पैन रखेंगे, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल देंगे, और जो हमने घोल तैयार करके रखा था उसको भी इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरीके से, और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। देखिए ये हो गया ना, तो गैस बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के बाद जो इसे हम बनाएंगे अब। तो ये देखिए ठंडा हो गया है, हमने ये निकाल लिया है इसे। अब क्या करेंगे दोस्तों, हाथों में जो है हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे जिससे कि हमारे हाथों में चिपके नहीं, और इस तरीके से जो है हम इसे लड्डू की तरह बना लेंगे। आप इसे कोई और भी शेप भी दे सकते हैं। इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गैस ऑन करेंगे, एक पैन रखेंगे, इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। दोस्तों आप चाहे तो इस नाश्ते को जो है बहुत ज़्यादा तेल में इसे फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी करेंगे तो भी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। लेकिन मुझे कम तेल में इसे बनाना था, थोड़े से हेल्दी बनाना था, तो मैंने इसीलिए इसमें तड़का लगाया है। तेल गर्म होने के बाद जो इसके अंदर हमने 1 चम्मच जीरा डाला था, 1 चम्मच काली सरसों और कड़ी के पत्ते डाले थे। जब ये चटक गए तब जो है इसके अंदर हम अपने नाश्ता को डाल देंगे, और इसको जो है हम अल्टी पल्टी करके जो थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसका जो मसालों का जो फ्लेवर है इसके अंदर अच्छे से आ जाए। जो हमारे जो हमने डाला है कड़ी के पत्ते, उसका जो खुशबू होती है ना वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल बन के तैयार हो गया है ना हेल्दी। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।